इंग्लैंड अभी कम बैक नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी वो चार मैचों में से तीन हार चुकी है, पीछे उनके पांच मैच रहते हैं, एक आई थिंक उनके बड़ी टीमों के साथ मैच पड़े हैं, साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका नो डाउट एक बहुत ही इस वर्ल्ड कप में अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, तो इंग्लैंड का मुझे नहीं लग रहा। तो भाई साहब वर्ल्ड चैंपियंस आर ऑन देयर एब्सोल्यूट नीज एंड हु वुड हैव थॉट इंग्लैंड जो लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनी, इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस, एक वो ऐसी बैटिंग स्ट्रेंथ जो अपनी बेसबॉल अप्रोच के ऊपर बड़ा प्राइड लेती है। 45 पे कोई आउट नहीं है, 45 पे फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट दे वर प्लेइंग एंड 156 ऑल आउट 33 ओवर्स। तो ये डिफेंडिंग चैंपियन है या फटा पिच पे टीमों के इश्यूज हैं। अगर श्रीलंका की बात करें तो बॉलिंग का बहुत बड़ा इशू है, इंग्लैंड का भी वही है। और सो मेरे ख्याल में आज बेंगलुरु में मैच हो रहा है, तो जो टीम अच्छी बॉलिंग करेगी वो जीतेगी। जितने मैच हारने थे अच्छा है, एक कैप्टन का उसका जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन ये ऑन फील्ड पता चलेगा कि इंग्लैंड क्या कारकर्दगी दिखाती है। आई थिंक अभी जो टॉप फोर पे टीमें हैं मेरा ख्याल है कि वही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। श्रीलंका जिसको ये बोला जा रहा था ये तो हर टीम के लिए रोल ओवर है, आज एंजेलो मैथ्यूज की क्या वापसी हुई, 3 साल बाद क्या ओडीआई में उन्होंने पहली बॉल डाली, पहली बॉल पे विकेट लिया। सो श्रीलंका हैज पुल्ड अ स्टनर हियर ऑन टीम इंग्लैंड एंड इंग्लैंड इज स्ट्रगलिंग। बहुत अजीब किस्म की स्ट्रगल है इंग्लैंड की कि जहां सोचा जा रहा था कि आज वो मैच होगा जहां इंग्लैंड चेज नहीं करेगी, इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी, वो अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर खेलेगी, लंबे रन्स लगाएगी और श्रीलंका आएगा वो 150-200 पे आउट हो जाएगा, लेकिन यहां तो कहानी पलट गई। पट्टा पिच पे बेंगलुरु में आउट हो गए। अब ये अटैकिंग चैंपियन है या डिफेंडिंग चैंपियन है ये आप खुद डिसाइड कर लें, ये आप खुद से फैसला कर लें कि कौन से वाले चैंपियन आउट कर गया भाई, कल लैंड की हाथ तो विकेट ले गया। तो हम तो कह रहे हैं हमारा भी कोई एक आधा इंजर्ड करके बाहर करो और अपने कोई किसी और को लेके आओ। इंडिया पाकिस्तान और जो इंग्लैंड की टीम है वो चौथी पोजीशन के लिए डेफिनेटली कंटेंशन में आएंगे और मे बी थर्ड पोजीशन के लिए। टॉप फोर पे यही जो अभी इंडिया सबसे ऊपर है, फिर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के बाद हमारे पास साउथ अफ्रीका है, फिर वो ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तान का कहीं चांस नहीं नजर आ रहा? पाकिस्तान का चांस नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान की अब ऑस्ट्रेलिया से रन रेट आज बहुत ही पीछे चली जाएगी क्योंकि उन्होंने 400 स्कोर मारा है नेदरलैंड को। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो छोटी टीमें होती है ना इनके खिलाफ बड़ी टीमें अक्सर अपना रन रेट बेहतर करती है। आज इंग्लैंड हारता है तो क्या पता ये कुदरत का निजाम कहीं यू टर्न तो नहीं ले रहा 2023 के वर्ल्ड कप में। 45 पे जी कोई आउट नहीं था और 156 में पूरी टीम बुक हो गई है। ये तो अफगानिस्तान से कोई इन्होंने लिया, आई थिंक दे गेट अ लीफ आउट ऑफ अफगानिस्तान बुक, वो भी 156 भी बांग्लादेश के खिलाफ। टॉस जीता और चेस करने गए और दोनों दफा वो हारे, तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी जैसे हम बात कर रहे हैं कि रन ऑन द बोर्ड होंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। देखें सबसे पहले गर्मी है, ह्यूमिड हॉट वेदर है, तो बाद में अंडर लाइट बॉलिंग करना चाहेंगे जो भी टीम टॉस जीते। मेरे ख्याल में देखें दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, अगर आज जो भी टीम हारती है वो बिल्कुल टेबल के नीचे रह जाती है और उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं वर्ल्ड कप में फाइनल फोर में जगह बनाए। इंग्लैंड को देख रहे हैं ना, इंग्लैंड ऐसा लग रहा है कि अभी समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है इन कंडीशंस में, किस तरह खेलना है, किस तरह खुद को अप्लाई करना है, वो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे खुद को कहीं। जो वो एक बास्टबॉल अप्रोच आ गई है ना उनके जहन में, वहां थोड़े से डॉट्स जो है वो आना शुरू होते हैं तो उन थोड़े से डॉट्स में अचानक से जो है वो सफोकेशन उनके बैटर्स में शुरू हो जाती है एंड देयर। तो 156 पूरी टीम आउट, ये है जनाब इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन 2019 के चैंपियन, अटैकिंग चैंपियन। बटलर ही सेड डोंट यूज द वर्ड डिफेंडिंग, आई डोंट लाइक दिस वर्ड, ये हमारी जो खेलने का तरीका कार है उसके साथ सूट नहीं करता ये वर्ड। ऑफ कोर्स इन कंडीशंस में जो है जिस तरह आके वो गेंद पटकता है, मेरा ख्याल है वो कुछ ना कुछ इंग्लिश टीम के लिए टेबल पे लेके आएगा प्रोवाइडेड ही इज प्लेड इन दिस गेम। जैसा लगा कि अपनी स्ट्रेंथ को बैक कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर के बैटिंग रन लगाए। देखो इंग्लैंड का पिछले एक दो साल का भी अगर आप मॉडल सुपरेंडी देखो, इनकी बैटिंग इनको जितवा रही थी, बॉलिंग में लोड ये बैटिंग में इतना रन डाल देते थे, इतना प्रेशर डाल देते थे, बैटर इनके क्लिक कर रहे थे कि बॉलिंग के ऊपर अगर लोड आता भी था तो थोड़ा सा सस्टेन वहां कर लेते, क्योंकि जब से जोफरा आर्चर गए हैं और अगर आप 2019 की कैंपेन भी देख लें, पाकिस्तान के साथ ही आके खड़े हुए थे ना 100 के ऊपर सेमीफाइनल में क्वालिफाई हुए। जो परफॉर्मेंस है बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, न्यूजीलैंड ने जो पहला टीका इनको लगाया है इन्होंने कंप्लेंट कर दिया आईसीसी से, अभी इंग्लैंड ने कंप्लेंट लॉन्च कर दिया आईसीसी। अच्छा क्या यहाँ हमने हुक्मरानी की थी 200 साल और यहाँ हमें जलीलो खार हमारी कब्र बना रहे हैं जिस पिच पे हम जा रहे हैं,
ये गलत बात है, ये सही नहीं है, हम डिवाइड भी कर रहे हैं पर रूल नहीं कर। इट हैड अ लॉट टू डू विद जोफ्रा आर्चर एंड द कंडीशंस दे वर प्लेइंग इन। अब यहाँ कंडीशन जहाँ मुख्तलिफ हुई और यहाँ बेसबॉल अप्रोच, मतलब मुझे तो इंग्लैंड की टीम का यहाँ अडेप्टेबिलिटी का मसला आ रहा है। स्किल सेट में कोई इशू नहीं है या कंपैटिबिलिटी में कोई इशू, या कंपैटिबिलिटी में इशू जरूर दिख रहा है, स्किल सेट में कोई इशू नहीं है, स्किल्स में कोई इशू नहीं है, इनकी फील्डिंग में, इनकी फिटनेस लेवल में कोई इशू नहीं है। लेकिन हो सकता है 350 से ज्यादा रन हो, सो आप इस मैच में आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम आपको वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेलती हुई नजर आएगी। होप करें, क्योंकि पिछली दफा भी हमने कहा कि इंग्लैंड का सफर आज से शुरू होगा, लेकिन वो उन्होंने सारा दिन ही सफर किया। बिल्कुल, उनको बहुत लंबा स्कोर हो।